दिल्ली के द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने मोहन गार्डन थाना इलाके में एक महिला के ब्लाइंड मर्डर के मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है। ये बरेली के शाहजानपुर का रहने वाला है। इसके पास से मृतका का मोबाइल और वारदात के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़ों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एम हर्षवर्धन के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो एक साल पहले मृतका के संपर्क में आया था और तब से उन दोनों के बीच में संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मृतका उससे पैसों की मांग कर रही थी और साथ ही धमकी भी दे रही थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे झूठे मामले में फंसा देगी, जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या की योजना बनाई। पिछले सप्ताह मृतक दिल्ली के मोहन गार्डन में रहने वाली उसकी भाभी से मिलने आई थी, जिसके बाद हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए दिल्ली पहुंच गया। उसने 22 जून को मृतका से संपर्क कर उसे मिलने को कहा। इसके बाद वहां उसने महिला को मोहन गार्डन से पिक किया और 23 जून को उसकी चुन्नी से ही उसका गला घोट कर हत्या कर दी और फिर उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया था। 23 जून के सुबह करीब 7 बजे हमें एक PCR कॉल मोहन गार्डन थाने के इलाके में आया, जिसमें एक पब्लिक के व्यक्ति ने सूचित किया कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है एक खाली प्लॉट में। वहाँ पर पहुँचने पे पाया गया कि एक फीमेल डेड बॉडी है, जो कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था किसी ने मर्डर करके उसको रेत से ढकने का भी कोशिश किया है इस प्लॉट में। सब्सिक्वेंटली इस बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया और ये 35 ईयर ओल्ड लेडी के रूप में इनका पहचान हुआ, जो मूलतः यूपी के रहने वाली थी और अभी करीब 10 दिन पहले ही दिल्ली आई थी। दिल्ली में उसकी सिस्टर इन लॉ रहती थी, उसके पास ही आकर रुकी थी और यहाँ पे एक फैक्ट्री में नौकरी भी ज्वाइन किया था। फर्दर टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करते हुए एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया गया और कल दिल्ली और यूपी के कई जगहों पर रेड करने के बाद उसको पकड़ा गया है। इसका नाम है अजय, वो 26 वर्ष का है और वो भी शाहजानपुर बरेली का रहने वाला है। उसने बताया कि वो उसका इस लेडी के साथ संबंध था और वो इससे परेशान हो गया था पैसों के डिमांड को लेकर या फॉल्स केस में फंसाने के आरोप को लेकर, ऐसा उस अक्यूज्ड का कहना है और इसलिए वो परेशान होकर उसने इस तरह का कदम उठाया।